गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आरती दीदी के यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब निकले हैं कहाँ, धनोल्टी के लिए। मैंने आपको बताया था ना, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अब डिसाइड हमने कर लिया। पहले हमें जाना है धनोल्टी, और धनोल्टी का टाइम 1 आवर 30 मिनट्स, उसमें हम पहुँच जाएंगे। और देखते हैं कि रोड पर क्या हाल रहने वाला है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, न्यू ईयर है तो हो सकता है हमें काफ़ी ट्रैफिक भी मिले। और हमारे मिस्टर तोमर साहब हमारे साथ, और हम इंजॉय करते हुए चलेंगे। और हमारा आज का रुकने का प्लान टीरी डैम रहेगा शायद। तो लास्ट तक मेरी वीडियो पे बने रहना, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, हम हैं धनोल्टी के रास्ते पे, और आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आगे हल्का सा ब्लर सा जो है कि अब पहाड़ आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं पहाड़ों की साइड, तो आगे अब पूरा रास्ता थोड़ी देर बाद पहाड़ों का स्टार्ट हो जाएगा। खुश तो बहुत हो रहे थे कि धनोल्टी चल रहे हैं, पर रास्ता देख के तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। पर इधर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक रिवर सी थोड़ी थोड़ी पानी बह रहा है, और बड़ा मेरा मन तो ललचा रहा है कि मैं नीचे चली जाऊँ, लेकिन नीचे का अभी हमारा कोई ऑप्शन है ही नहीं। नीचे यहाँ पे उतरने की जगह नहीं है, प्लस अभी वापस जा रहे हैं। एक पुल हमने क्रॉस करके ना दूसरे रास्ते से चढ़ा दिया था मैप ने, तो अब वापस उसी पुल से ही जाना है धनोल्टी के लिए। अब देखते हैं कैसा कैसा आगे ट्रैवल रहने वाला है। ये रोड तो बहुत ही ज़बरदस्त ख़राब ही है, कि धनोल्टी का इतना ख़राब रास्ता है कि इससे तो अच्छा लेह लद्दाख निकल जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ की इतनी अच्छी हाईवेज वाली रोड, और यहाँ तो एक तो पतली इतनी है, मैं ये कह रही हूँ बचते कैसे होंगे। गाड़ी बिल्कुल एक कॉर्नर पे इधर, एक कॉर्नर पे इधर चढ़ा के तब तो गाड़ियाँ साइड टू साइड बचती होंगी यहाँ पे। हे भगवान, ये रास्ता सही में धनोल्टी का कोई अच्छा नहीं है, और टूटा फूटा भी बहुत है, डैमेज क्यों है ना। लेह लद्दाख की याद नहीं आ रही अब। तो होया है तक, आप तो मौज लेकर आ रहे हो ठंडी में। सही यार, इतनी बर्फ पड़ी हुई थी वहाँ तो, सपने में बिना सोची होगी। हाँ यार, सही में आपकी वीडियोस से ही पता चलता है, मोटर फाइव पे जो आप डाल रहे हो सही में बहुत ज्यादा सुंदर वीडियोस हैं। बहुत ज्यादा हैवी स्नो पड़ी हुई थी, और माइनस में 35 टेम्परेचर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो ना, तो आप मोटर फाइव पे जाकर दारचा की और -35 की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं इनके चैनल पर। फिलहाल है धनोल्टी के रास्ते में, और रास्ते में जैसे उतरे तो फिर हमने यहाँ पे अभी दो चाय दी है, तक चाय बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे जैसे उतरी तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पे ना एक स्कूल है, वहाँ उधर, और वहाँ पे ना ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि चलो एक बार देख के आती हूँ ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो वहाँ बच्चे ना खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड है, और वहीं पे स्कूल भी है ना। अच्छा, बस स्कूल का एरिया है वो, बाकी एक दो ये इधर घर से है, पता नहीं किधर से ऊपर जाने का होगा, मतलब कि स्कूल ऊंचाई पे है, घर पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आते होंगे, या फिर हॉस्टल वगैरह है कि बच्चे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ही पढ़ते हैं, पर अच्छा है। और ये है टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पे अभी लिखा हुआ था एक बोर्ड पर, और यहाँ पे नीचे ना सब खेतों की जगह है, सारी खेती है, ऐसा लग रहा है जैसे सबके हिस्से में ये है, ये है, सबका अपना फिक्स एरिया होगा ना। और अभी कुछ बोर्ड और भी आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अटल आदर्श ग्राम पंचायत मजगांव
आपके, ये कोई अलग है, ये रास्ता इधर गांव का, ये नीचे जाता होगा ना गांव में, उधर जहाँ पे वो अभी मकान और ये खेती वगैरह दिख रही थी वो सब वहाँ है, और बाकी इधर का रास्ता यहाँ है जहाँ हम जा रहे हैं धनोल्टी में, धनोल्टी का रास्ता है ये बस। हमारा रास्ता जो होता है ना थोड़ा यूनिक होता है क्योंकि गूगल मैप बताता है उसी पे हम चलते हैं, है ना। और इनको भी ड्राइव करते हुए बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पहाड़ वाले रास्ते अब तो इनके हाथ पड़ गए हैं ना, अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। और धूप अभी हम बहुत ऊपर आ गए हैं, सोचा था कि कुछ स्नो वनो का थोड़ा बहुत सीन होगा लेकिन यहाँ पे तो स्नो का तो नाम तक भी नहीं है, लग ही नहीं रहा यहाँ पे, और स्नो सोच भी नहीं सकते अभी तो शायद जनवरी के मिड तक कुछ बनाएगा, लेकिन रास्ता सही में बड़ा अच्छा है और पहाड़ों के नज़ारे भी बहुत ही अल्टीमेट मज़ेदार। और ये लो मैंने बैक कैमरा कर दिया है और इतनी गहराई है नीचे, कैमरा तो बहुत कम कैप्चर करता है लेकिन काफ़ी गहराई ऊंचाई, और सूर्य देवता जी उधर, और 360 कैमरामैन हमारे इधर और ऊपर थोड़े थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं इधर को जाना है। और यहाँ पे मोमोज दिया है एक प्लेट वेज, और यहाँ पे बैठकर खाने वाले हैं बॉनफायर के पास। ठंडी बहुत लग रही है क्योंकि अब हम छाया वाले एरिया में, इधर दिख ही रहा है धूप उधर की साइड में और इधर ठंडक वाला एरिया, और ये मोमोज वाले भैया। हमारी मोमोज पार्टी स्टार्ट हो गई है वो भी बॉनफायर के साथ, और मेरा मन है एक दो फोटो इस बाइक पे खिंचवाने का। फाइनली पहुंच गए हम धनोल्टी, और यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह, रेस्टोरेंट और फूड वगैरह के सारी आइटम्स दिखने स्टार्ट हो गए, और हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे रुकने की कहाँ पे अच्छी सी जगह है, ये लिखा हुआ गया बोर्ड पर धनोल्टी। और अब धनोल्टी पहुंचने के बाद हमें एक फिक्स एरिया देखना है, और यहाँ पे अभी पूछना भी है घूमने का क्या क्या एरिया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट आने वाला है।